निंबार्क भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, दिव्य विराट रूप दिखाया, विद्या निधि जी प्रभावित हुए और चरणों में आ गए। फिर बाद में निंबार्क भगवान पूरा भेद खोलते हैं कि आप शंख के अवतार हैं, पांचजन्य शंख के अवतार हैं और एक रूप से आप नव्य वासा सखी निकुंज वृंदावन में। जैसे निंबार्क भगवान के आठ रूप हैं, इसी प्रकार इनके दो रूप हैं, वैकुंठ में पांचजन्य शंख के रूप में और निकुंज वृंदावन में नव्य वासा सखी के स्वरूप में। तो ये भूले हुए थे अब तक। क्यों भूले हुए थे? तो आपने बड़े ध्यान से एक शब्द सुना होगा कि स्वजन मोहिनी माया के कारण से आप अपने आप को भूले हुए थे। ये स्वजन मोहिनी माया क्या है? एक तो थी प्रकृति माया, जिसमें समस्त जग भूला हुआ है अपने निज स्वरूप को और माया में भटका हुआ है और अनादिकाल से, ये तो माया है। लेकिन एक स्वजन मोहिनी माया होती है, वो क्या करती है? भगवान के जनों को मोहित करती है, केवल भगवान के जनों को। किस लिए? लीला रसा स्वादन के लिए या भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए उनके निज स्वरूप को भुला देती है कुछ समय के लिए, लीला संपादन के लिए। जब वो लीला पूर्ण हो जाती है तो फिर स्मृति लौट आती है। तो ये भगवान की स्वजन मोहिनी माया है, जो भगवान की ही इच्छा से भगवान के निज जनों को मोहित कर देती है एक लीला का प्रगट्य करने के लिए, क्योंकि वहाँ माया का प्रवेश नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, जब सनक सनंदन सनातन और संत कुमार वैकुंठ जाते हैं तो जय विजय उनको रोक देते हैं और फिर सनकादिक ऋषि उनको श्राप देते हैं, जाओ तुम तीन जन्म तक राक्षस बन जाओ। तब वो तीन बार राक्षस बने आकर के कथा जगत प्रसिद्ध है, वही रावण कुंभकर्ण भी बनते हैं। तो वहाँ तो माया जा नहीं सकती, तो वहाँ ये अपराध कैसे कर दिया उन्होंने वैकुंठ? वैकुंठ में तो माया का प्रवेश नहीं, माया से ही व्यक्ति अपराध करता है। तो वहाँ ये माया नहीं, वहाँ निज जन मोहिनी माया। इसी प्रकार श्रीदामा ने राधारानी को श्राप दिया, राधारानी ने श्रीदामा को श्राप दे दिया, विरजा को भी श्राप दिया। ये गोलोक धाम की कथा है। तो वहाँ ये सब क्रोध क्यों, श्रापाश्रापी क्यों? क्या वहाँ भी माया है भगवान के धाम में? इसका उत्तर है ये माया वहाँ नहीं। वहाँ कौन सी माया काम करती है? स्वजन मोहनी माया। स्वजन मतलब जो भगवान के जनों को लीला विस्तार के लिए मोहित करके उनसे कुछ कार्य करा देती है।